क्या आप चाहते हैं इस तरह का निखार, इस तरह का ग्लो अपने फेस पे? अगर आपकी स्किन डल हो रही है, आपको कहीं जाना है या स्किन पे टैनिंग बहुत सारी है, तो आज जो क्लीनिंग मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी डीप क्लीनिंग है कि बहुत थोड़े से टाइम के अंदर आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अमेजिंग रिजल्ट होने वाले। तो अगर आप चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक और देखिए कि मैंने क्या किया जो इतने अच्छे से स्किन खिल उठी। आज की वीडियो जो है वो है क्लीनिंग के ऊपर, एक्चुअली डीप क्लीनिंग के ऊपर, जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग करेगा। आपकी स्किन जो है अमेजिंग होने वाली है, आपका निखार जो है वो अनदर लेवल पे होने वाला है। एक बार आप करेंगे, ये वन टाइम चैलेंज है, जो आप करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हैं आप मेरे साथ क्लीनिंग करने के लिए, फेस को चमकाने के लिए? चलिए सबसे पहले कहते हैं फेस को क्लीन। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, आप फटाफट से सामान ले आइए और मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे रोज वाटर जो कि मैं डेली यूज करती हूँ। इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन ऐड किया हुआ है और साथ में मैंने एलोवेरा जेल मिक्स की हुई है जो पतंजलि की येलो वाली आती है। तो ये दो बस चीजें, ऐसी चीजें हैं जो मैं डेली अपने फेस पे लगाती हूँ। बस इसी से अपने फेस को क्लीन करूंगी। आप भी ये बना के देखिए, इसकी जो स्मेल है अमेजिंग है और रिजल्ट तो इसके बहुत बहुत ही बढ़िया है। बस अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कीजिए, आईज के पास अच्छे से स्किन को क्लीन कीजिए एंड नोज के पास से, लिप्स को अच्छे से क्लीन कीजिए, इन कॉर्नर्स को वहां से भी अच्छे से क्लीन कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कीजिए। बहुत अच्छे से स्किन क्लीन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी अगर आप फेस पे करते हैं तो ये सबसे जरूरी काम है, जो कि आपको किसी भी पैक को लगाने से पहले, कुछ भी नया फेस पे करने से पहले आपको करना है। तो फेस हो चुका है क्लीन, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप जो है वो है टमाटर से जो है कि हम मसाज करेंगे। तो मैंने हाफ कट जो है टमाटर लिया है और इससे हम अपने फेस को अच्छे से मसाज देंगे। टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। तो टमाटर से आपको अच्छे से मसाज करना है। सर्कुलर मोशन में आप इससे मसाज कीजिए नोज एरिया के पास अच्छे से। आपको ये जो मसाज है कम से कम 5 to 7 मिनट तक करनी है। आप एक बार इस क्लीनिंग को कीजिए, आप बार बार इसको करना चाहेंगे, इस बात की गारंटी है। और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत बहुत ही बढ़िया है। आपकी स्किन पे इससे ग्लो तो आएगा साथ के साथ धीरे धीरे। अगर आप इसको वीक में 2 बार भी करते हैं ऐसी क्लीनिंग को, या 1 बार भी करते हैं, आपकी जो स्किन पे जो दाग धब्बे हैं, मीन्स जितने भी स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके, और या एक्ने के स्पॉट्स हैं, वो भी धीरे धीरे लाइटन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसको जरूर कीजिए। बहुत वर्क करता है, जैसे ब्लेमिशेस पे, या जिनको बहुत प्रॉब्लम हो डार्क स्पॉट्स का, या जिनकी स्किन अनइवन स्किन टोन है, उसके लिए भी ये जो क्लीनिंग है बहुत बढ़िया है। टाइम बहुत कम लगता है लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं इसके। थोड़ा सा इस तरह से फिंगर की हेल्प से टमाटर को इस तरह से कर लीजिए ताकि बल्ब जो है वो बाहर की तरफ आ जाए।
तो मैंने टमाटर से मसाज कर लिया है, मैंने इसका जो पल्प है वो फेस पे से नहीं हटाया है, आपको भी नहीं हटाना है। इसी के ऊपर हमने जो स्क्रब तैयार किया था दही और सूजी का, जिसमें कि एक स्पून जो है मैंने दही लिया है और हाफ स्पून जो है उसमें सूजी का, बिल्कुल बारीक वाली सूजी वो ली है। तो बस उसको लीजिए और इस तरह से फेस पे लगाइए अपने अच्छे से, एंड देन मसाज कीजिए अच्छे से। आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से ही लेनी है, आपको यहां तक नहीं आना है, खाली फिंगर टिप्स से ही मसाज करना है आपको। सूजी जो है आपके स्किन की स्क्रबिंग मींस कि जो भी डेड लेयर्स होगी उसके ऊपर जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो सब रिमूव कर देगा, और साथ में जितने भी आपके ओपन पोर्स में, आपके पोर्स क्योंकि ओपन होते हैं जब आप कोई क्लीनिंग करते हैं, तो ये डीपली क्लीनिंग करेगा, क्योंकि दही भी डाली है हमने इसके अंदर और सूजी भी डाली है, तो ये बहुत अमेजिंग वर्क करेगा आपके फेस के ऊपर। और ये जितना भी डर्ट डस्ट, जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी एक्यूमुलेशन होगा गंदगी का, वो सब बाहर निकाल देगा। तो आपको इससे मसाज करना है, और जो हमने इसमें दही डाला है वो स्किन को बहुत ही अच्छे से, स्किन को लाइट करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा नेचुरल सा मॉइस्चराइजर है। दही में आपके स्किन को लाइट करने के साथ साथ आपके डीपली लेयर में जाके, आपके स्किन की जो डीप लेयर्स होती हैं वहां जाके जितना भी आपके पिगमेंट स्किन पे होता है, जो आपको मींस जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं या अनइवन स्किन टोन होती है, उसको भी ये धीरे धीरे खत्म करता है। अगर आप खाली दही भी अपने फेस पे डेली लगाते हैं रात को सोने से पहले, जैसे 5-10 मिनट के लिए, और फिर उसे मसाज करते हुए फेस से हटा देते हैं, तो आपकी स्किन जो है लाइटन तो होगी, साथ में ग्लोइंग हद से ज्यादा ग्लोइंग होती है। इतनी अमेजिंग वर्क करता है ये दही। यहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे अच्छे से मसाज कीजिए, इस तरह से बना लीजिए, एंड यहाँ से आप इसको सर्कुलर मोशन पे मसाज कीजिए अपने नोज को अच्छे से, और स्पेशली ये जो एरियाज हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे नोज पे जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होंगे वो भी इससे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने स्क्रबिंग कर ली है, मैंने जो है अपने फेस को अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम मास्क लगाएंगे। मास्क में मैंने एक स्पून जो है दही ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने जो है चावल का आटा डाला है और थोड़ा सा हनी डाला है, मीन शहद डाला है। तो ये तीनों चीजों का बहुत अच्छा सा मास्क बन जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। खाली ये मास्क जो है आपकी स्किन को अगर आप डेली लगाते हैं, मीन्स एक दिन छोड़ के, तो आपकी स्किन जो है बहुत बहुत खिलती है, इससे स्किन लाइट भी होती है, आपके ब्लेमिशेस भी खत्म होते हैं धीरे धीरे। देखिए कोई भी चीज है, जब भी आपकी स्किन पे कोई चीज आती है तो वो धीरे धीरे ही जाती है, क्योंकि नेचुरल चीजें आप जो है यूज कर रही हैं। नेचुरल चीजें इफेक्ट जो है थोड़ा सा लेट देती हैं, लेकिन उसके 100% रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंस की जरूरत है यहाँ पे। तो चलिए ये मास्क जो है तैयार है, अब मैं इसको अप्लाई करूंगी अच्छे से अपने फेस पे। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जो है मैं लगा के छोड़ दूंगी।
लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग होने वाले हैं। तो कीजिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।